प्रभु प्रसाद चैनल में सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज बटर स्क्रॉच आइसक्रीम बनाएंगे। बटर स्क्रॉच आइसक्रीम बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, 1 लीटर दूध, 1 कप चीनी, 2 स्पून कॉर्नफ्लोर, 2 स्पून मिल्क पाउडर, 2 स्पून बटर स्क्रॉच कस्टर्ड पाउडर, 2 स्पून ड्राई फ्रूट, करमल क्रंच बनाने के लिए 1/2 कप चीनी, इलायची, बटर स्क्रॉच एसेंस, 1/2 कप। अभी दूध को गैस पर रख दिया है। दूध बॉयल होने तक करमल क्रंच बना लेंगे। करमल क्रंच बनाने के लिए 1 प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया है। अभी 1 पैन में चीनी डाला है, पानी घी कुछ भी नहीं डालना है। ऐसे ही मीडियम आंच में घुमाते रहेंगे तो ये चीनी पिघल जाएगा। देखिए, थोड़ा थोड़ा चीनी पिघल रहा है। पूरा चीनी पिघल जाए, देखिए अभी चीनी पूरा पिघल गया है। जो ड्राई फ्रूट लिया था ना, वो ड्राई फ्रूट इसमें डाल रही हूँ। मिक्स करके ग्रीस करके रखा था ना प्लेट, उसमें ये डाल रही हूँ। देखिए, 1-10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। देखिए दूध भी बॉयल हो रहा है। अभी 1 कटोरी में कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, मिल्क पाउडर, कस्टर्ड पाउडर, थोड़ा सा ठंडा दूध मैं निकाल के रखी थी, तो वो ठंडा दूध इसको मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं होना चाहिए, ऐसे एक ही डायरेक्शन से हम मिक्स करेंगे तो लम्स नहीं बनेगा। देखिए कितना अच्छा ये घोल तैयार हो गया है। अभी दूध भी उबल रहा है। देखिए कैरमल क्रंच रेडी हो गया है। अभी इसको एक ज़िपलॉक कवर में डाल देंगे। कवर छोटा है इसलिए मैं पीस करके डाल रही हूँ, तो इसको कवर में डालेंगे। इसको बेलन से थोड़ा ऐसा बेल लेंगे तो ये सारा टूट जाएगा। थोड़ा पीस पीस रहने से अच्छा रहेगा। देखिए कितना अच्छा पीस पीस हो गया है। अभी दूध भी अच्छा बॉयल हो गया है। इसमें जो मिक्स करके घोल रखा था ना कस्टर्ड पाउडर, मिल्क पाउडर, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा गाढ़ा दूध तैयार हो गया है। इसको 1-5 मिनट बॉयल करेंगे, कॉर्नफ्लोर कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन निकल जाए। अभी इसमें चीनी डाल रही हूँ। 2-3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। देखिए कितना अच्छा कितना गाढ़ा दूध रेडी हो गया है। इलायची पाउडर डाल रही हूँ। देखिए अभी इसको ठंडा करने रख देंगे। देखिए कितना अच्छा ठंडा हो गया है, कितना गाढ़ा है, कितना अच्छा ठंडा हो गया है। अभी इसको मैं एक बॉक्स में डाल रही हूँ। बटर स्क्रॉच एसेंस थोड़ा सा डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छा मिक्स हो गया है। इसको अभी
सिल्वर फॉयल से इसको बंद करके ढक्कन लगा के फ्रीज़र में रख देंगे। 4-5 घंटा फ्रिज में रख देंगे। देखिए ठंडा ठंडा हो गया है, आइस हो गया है। देखिए अभी मैं इसको निकाल रही हूँ। अभी इसको मिक्सी करेंगे। ये एक मिक्सी जार में डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्सी कर लेंगे तो क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम बहुत अच्छा बन जाएगा। देखिए कितना क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम बन गया है, मिक्सी हो गया है। अभी मैं इसको आइसक्रीम बॉक्स में डाल रही हूँ। थोड़ा कैरमल क्रंच बेस के ऊपर डाल रही हूँ। अभी जो बचा है उसको भी मिक्सी करके इसमें डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम रेडी हो गया है। अभी इसको कैरमल क्रंच से गार्निश कर रही हूँ। कितना सुंदर लग रहा है ना। अभी इसको फॉइल से बंद कर देते हैं। फॉइल से बंद करने से पानी अंदर नहीं जाता है फ्रीज़र में। आप चाहे तो प्लास्टिक कवर भी रख सकते हैं, प्लास्टिक कवर भी डाल सकते हैं। देखिए अभी इसको बंद करके एक 10-12 घंटा फ्रिज में रख देंगे। देखिए 10-12 घंटा हो गया है। अभी मैं इसको फ्रीज़र से निकाली हूँ। देखिए वाह कितना अच्छा बटर स्क्रैच आइसक्रीम तैयार हो गया है। अभी इसको मैं सर्विंग बाउल में निकालेंगे। देखिए क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम तैयार हो गया है। अभी इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। देखिए बटर स्क्रैच आइसक्रीम रेडी हो गया है। बटर स्क्रॉच आइसक्रीम रेडी।